दोस्तों नमस्कार दोस्तों, KGF फ्रेंचाइजी से कन्नड़ सुपरस्टार यश ने दुनिया भर में कमाल करके दिखाया है। आज रॉकी भाई को भला कौन नहीं जानता। अब उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट को लेकर डिटेल सामने आ रही है। दोस्तों बताया जा रहा है कि उन्होंने साउथ के एक बड़े निर्देशक के साथ मेगा बजट फिल्म साइन की है, जिससे वह एक बार फिर KGF की तरह धमाल मचाएंगे। ये फिल्म ऐतिहासिक युद्ध से जुड़ी हुई होगी, जिसे कई भाषाओं में रिलीज किया जाएगा। यश की नई फिल्म को लेकर मीडिया के गलियारों में किस प्रकार की चर्चाएं जारी हो रही हैं दोस्तों मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यश जल्द ही साउथ के एक डायरेक्टर शंकर शानमुगम के साथ फिल्म का ऐलान कर सकते हैं। दोनों के बीच एक फिल्म पर चर्चा चल रही है दोस्तों, और ये हिस्टोरिकल वार ड्रामा होगा, जिसे तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ सिनेमा के तमाम बड़े स्टार्स को साथ में लेकर बनाया जा सकता है। कुछ रिपोर्ट्स का दावा है कि ये फिल्म तमिल के एपिक नॉवेल वेलपेरी पर आधारित हो सकती है। इस प्रोजेक्ट की सबसे रोचक जानकारी ये बताई जा रही है दोस्तों कि मेकर्स ने यश और इस मल्टी स्टारर फिल्म के लिए 1000 करोड़ का बजट तय किया है। संभव है कि इसके लिए करण जौहर से लेकर नेटफ्लिक्स जैसे बड़े बैनर एक साथ प्रोड्यूस के लिए आगे आ सकते हैं। अगर ये रिमूवर्स सही निकले तो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के लिए ये फिल्म एक बेहद ख़ास फिल्म होने जा रही है। अगर वाकई ये बजट और खबरें सही निकली तो इसका मतलब ये होगा कि ब्रह्मास्त्र से भी इसका बजट दुगुना हो सकता है। और दोस्तों उम्मीद लगाई जा रही है अगर इस फिल्म की शुरुआत हुई तो ये फिल्म सन 2027 में रिलीज़ हो सकती है। मीडिया गलियारों के गॉसिप्स की माने तो इस फिल्म को बनने में काफ़ी समय लग सकता है। करीब 4 से 5 साल में जाकर इसकी शूटिंग पूरी होगी और साल 2027 तक ये फिल्म रिलीज़ होने की संभावना ही हो पाएगी। खैर अभी मेकर्स का ऑफिशियल ऐलान नहीं हुआ है, ये महज एक गॉसिप है दोस्तों। तो कीजिए दोस्तों इंतज़ार, आगे जो अपडेट होगी आपको हम ज़रूर देंगे। और दोस्तों चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और दोस्तों वीडियो को कीजिए लाइक। थैंक यू दोस्तों।